तो आज का सफर बस से शुरू किया जा रहा है। चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने चैनल कलफ राजपूत में। नई सुबह और नए दिन के आगाज़ के साथ आज की वीडियो जो है वो करते हैं जी शुरू। तो मैं और करम भाई जो है एक निकल रहे हैं छोटे से टूर के लिए। कहां पे जा रहे हैं वो रास्ते में आपको बताते जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग जाएँगे यहाँ से रिक्शा या ये बस आ गई है, बस के ऊपर बैठ के। तो आज का सफ़र बस से शुरू किया जा रहा है। चले जी। अस्सलाम वालेकुम करम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर के बाद बस में बैठ के सफ़र कर रहे हैं? ये जो बस है इसमें हो सकता है तीन चार साल बाद। राजा टाइम जेडे पुराने साढ़े चलने वाले गड्डियां साढ़े रोड दियां वो ते है ना असल रिक्शे रुक्शे तो हुन आ गए ने। किन्नी देर हो गई है गड्डी चलांदे? 1900 अगे देखियो अगे देखियो क्या गए हरन बजाओ जरा ऐ कृपा आलू आल किन्ना किराया है? 50 रुपये 100 हाँ जी हाँ जी पता जी 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 अपने टाउन में पहुंचे हैं। वो बड़ी गाड़ी से ना तो अभी रिक्शे बाइक वगैरह आ गए हैं। बहुत देर के बाद मैंने भी अपने टाउन तक ये जो बड़ी गाड़ी है उसमें सफ़र किया। तो खैर जी अभी यहाँ से हाईएस्ट टोयोटा जो है वो पकड़ने उसके अलावा फिर हम लोग निकलते हैं आगे। सियालकोट पहुंच गए हैं सियालकोट और हमारा भी प्लान जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया। हम लोग सियालकोट तक लोकल आए हैं, मतलब ये जो गाड़ियां हैं ना टोयोटा वगैरह वहां पे आए हैं। और अभी आगे हमारा प्लान हो गया चेंज कि हम लोग जाएंगे अपनी बाइक लेके। अभी मुकदम भाई को कॉल किया, मुकदम भाई जान बाइक लेके आ रहे हैं, एकदम से प्लान चेंज। अच्छा भाई जान दो ग्लास और बनाने हैं ठीक है अच्छे से। यहाँ पे अभी जी माल्टे का जूस जो है ना वो पिया जा रहा है। करम भाई को तो फोन जो है ना वो नहीं छोड़ रहे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं जी। हमारे ये रहे हमारे मुकदम भाई, पहुंच गए हैं पूरा सामान लेके। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मुकदम भाई, गोप्रो के साथ वीडियो तो नहीं बनाते आ रहे? वाह जी वाह। प्लान चेंज हो गया, अभी हम लोग बाइक लेके जाएंगे। और आप भी वीडियो बनाते हुए आए हैं ना? चले कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लें,
और यहाँ से आपने टोयोटा पकड़ना है और वापस चले जाना है और बाइक अभी हमें दे देनी, सही है। टाइम इस वक्त मेरी घड़ी में हो चुके हैं 2:02 रह गए। कदम भाई को यहाँ पे काम है कोई, अभी निकलते हैं आगे, यहाँ से मोटो व्लॉगिंग शुरू। बिस्मिल्लाह दी बरकत। अच्छा जी, सियालकोट हम लोगों ने किया क्रॉस अभी, तो अभी बाइक की जो टैंकी है ना वो फुल करवानी है, पेट्रोल डलवाने लगे हैं। अस्सलामुअलैकुम। फुल करनी है टैंकी। फुल कितने पैसे आपने सस्ता किया, रुपये की है कि पैसे की है? 5 रुपये। वेरी गुड, पेट्रोल सस्ता हुआ है 2 दिन पहले ना, 5 रुपये कम किया है भाई लोगों ने। कितने हो गए? 1510 का बाइक में पेट्रोल डला है, काफ़ी बड़ी टैंकी है, अभी कोई टेंशन नहीं। ये रोड सीधा जा रहा है वज़ीराबाद की तरफ, तो फ़िलहाल पहला जो स्टॉप आएगा, पहला जो शहर आएगा आगे, वो है वज़ीराबाद। ये जी वज़ीराबाद का रेलवे फाटक, और ये वज़ीराबाद का पुल। ये जी गोल चक्कर, यहाँ से टर्न ले लिया हम लोगों ने। वज़ीराबाद का पुल क्रॉस करने के बाद अभी पुल के नीचे से जा रहे हैं, जहाँ से हमने टर्न लिया ना, अगर हम सीधे चले जाते तो वो रोड जा रहा है गुजरा वाले करम भाई बता रहे हैं, वहाँ से लाहौर। वज़ीराबाद शहर क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग जो है ना वो आ चुके हैं जी मेन रोड, जो हाईवे वाला रोड है वहाँ पे। यहाँ से हमारी गाड़ी का कोई टूल टैक्स नहीं है, पहला टूल प्लाजा जो है ना वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। मोटरसाइकिल जो है ना, मोटरसाइकिलों के लिए ये रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वाह जी वाह, ये साथ में ये है जी किनारा होटल, और झूला चल रहा था अभी बंद हो गया। ये जी हम लोग अभी दरिया जो है ना वो क्रॉस कर रहे हैं। इस साइड पे ज़्यादा पानी है, इस साइड पे कम है, काफ़ी बड़ा पुल है ये वाला, उधर से आने वालों के लिए, इधर से जाने वालों के लिए। ये रोड मेन रोड है, पहले यही रोड था, मोटरवे तो बाद में बनी है। इस रोड से ही हम लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और काफ़ी सारे शहरों में यहाँ से जाते हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, लेकिन मोटरवे बनने से अभी काफ़ी रश जो है ना वो कम हो गया यहाँ पे। रावलपिंडी है 170 किलोमीटर, मंडी बावलदीन है 79 किलोमीटर, गुजरात जो है ना वो 10 किलोमीटर रह गया है, गुजरात सिटी जी। दो घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं खारियाँ, गुजरात लाला मूसा को क्रॉस करने के बाद खारियाँ पहुंच चुके हैं, और यहां से अभी हम लोगों ने आगे नहीं जाना, लेफ़्ट हो जाना, किसी और साइड को जाना है, वो भी आपको बताता हूं। हम लोग जा रहे हैं डिंगा मंडी बहावलदीन वाले रोड की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग ने आना था। ये है विकास भाई। विकास भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सफर कैसा रहा? सफर बड़ा जबरदस्त रहा। आपने कॉल की थी ना, फिर हम लोग ने एकदम से प्लान चेंज किया, उधर से हम लोग गाड़ी सुनने और बाइक मंगवाई और बाइक पे आ गए। और विकास भाई हैं, इनके साथ मैंने काम किया हुआ है 3 से 4 साल, और इंशाल्लाह क्या काम किया है वो भी अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे। बाकी हम लोग पहुँच चुके हैं विकास भाई के पास। आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म। सारा दिन सफ़र में रहे हैं ना, इस वजह से थक चुके हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।